हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं क्या आपके पार्टनर्स का भविष्य किसी और थर्ड पार्टी के साथ है या नहीं। फ्यूचर ऑफ द थर्ड पार्टी एंड योर पार्टनर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तब तक आप इस चैनल से कनेक्ट करें। आपको पता है, आपको लाइक सब्सक्राइब दबा के खुद को कनेक्ट करना है, और साथ में जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं वो लाइक दबा के हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय आदि शक्ति, जय श्री राधे कृष्णा लिखें, और अपने मन में अपने पार्टनर्स का नाम सोचते रहें। ठीक है, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूं अपने पार्टनर्स का ध्यान करें, भगवान को भी ज़रूर याद कर लें। आइए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का फ्यूचर किसी थर्ड पार्टी के साथ है या नहीं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का फ्यूचर किसी थर्ड पार्टी के साथ है या नहीं। थैंक यू सो मच। नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ठीक है, आप रीडिंग पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, नहीं, इनका फ्यूचर एक बार और मैं क्लियर कर लूँ। देखिए, थर्ड पार्टी की तरफ गए ज़रूर हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। इन्होंने आपको डच किया, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, और देखिए इन्होंने जैसा आपके साथ किया ना, वैसा इनको डिवाइन ज़रूर पे बैक करेगा। ठीक है, इनको ये सब फेस करना ही पड़ेगा। ये एक बार को अपनी थर्ड पार्टी से कनेक्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन आगे चल के वहाँ पर भी इनके साथ वही होगा जो आपके साथ इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद इनको आपकी कमी का एहसास होगा, इनको समझ में आएगा कि क्या डिवाइन इनके साथ थे या नहीं थे, या किस रिश्ते में इनकी सही दिशा थी, इन्होंने गलत पार्टनर चूज़ कर लिया, इनको आगे चल के ज़रूर पता चलेगा। थैंक यू सो मच।